हेलो दोस्तों, ये देखिए हाई मास लाइट का बेस है और ये दो टुकड़े में बटा हुआ पोल है जिसको हम एक करके दोनों को जोड़ेंगे। और ये इसका हार्डवेयर है जो टोचन चेन में इसको लगाएंगे। इसका लगाने के बाद दोस्तों ये जो पोल के नीचे पुली होता है गियरबॉक्स, उसमें टोचन को टाइट करना होता है। फिर पोल रेडी हो गया तो हाइड्रेज से लेके उसके बेस में ले हमें फंसाना है। देखिए यहाँ पे हाइड्रा के मदद से ले रहे हैं इसको लेके। दोस्तों इसका जो बेस होता है उसमें डालेंगे। इसका जो मोटर गियरबॉक्स लगाता है उसका फेस जिधर रहेगा उसको एडजस्ट करके इसका फंसाएंगे। फिर इसका नट बोल्ट को हम टाइट कर देंगे दोस्तों। प्रॉपर तरीके से उसको रेंच की मदद से टाइट करना है। और उसके बाद ये देखिए दो टुकड़ा है जो लाइट का फ्रेम है उसको फिटिंग करके ये जंक्शन बॉक्स उसमें लगा देंगे। जंक्शन बॉक्स लगाने के बाद दोस्तों लाइट सबको फिटिंग करेंगे और उसमें तार भी खींचेंगे। फिर ये कनेक्टर में देखिए इसको कनेक्ट करके जंक्शन बॉक्स में कनेक्ट कर देंगे। ये देखिए जो दोस्तों जंक्शन बॉक्स में कनेक्ट हो चुका है फिनिशिंग के साथ। और दोस्तों अभी ये पूरी तैयारी हो चुकी है हमारी हाई मास्ट लाइट का। ये देखिए दोस्तों ये जो चेन टोचन लगा रहता है गियर बॉक्स में उसको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है जो कि इसमें मोटर से यहाँ तक चेन में चलता है। फिर इसमें चेन डाल के रेडी कर लेंगे और कनेक्शन करने के बाद ये लाइट को हम ऊपर उठाएंगे। और देखिए लाइट हमारा ऊपर उठ रहा है। लाइट सब ऊपर उठने के बाद लाइट का जो तार है उसको कनेक्टर के मदद से हमें नीचे से जो पावर सप्लाई हम दिए हैं लाइट के लिए उसमें कनेक्ट करना है दोस्तों। और कनेक्ट करने के बाद हमारा लाइट जलने के लिए पूरा रेडी। आइए उसको हम लाइट को जला के देखते हैं। ये दोस्तों अभी लाइट हमारा जल चुका है। और दोस्तों वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों ऐसे नए नए इलेक्ट्रिकल के बारे में वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और पास में रखा हुआ बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारा नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।